नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल आंसर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के ईमेल्स को किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो आगे आप देखते रहिए इस वीडियो को, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपना आउटलुक ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पर आउटलुक जो यूज़ कर रहा हूँ वो 2010 है, यानी 2010। आप इसमें यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 2007 हो या 2016 हो, सब में लगभग सेम ही होता है। तो इस देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें पहले सबसे पहले वो पर्टिकुलर फोल्डर बनाना है जिसके अंदर हम उस ईमेल रिसीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये देखिए, ईमेल पे आ जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, ये फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ये आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। ये मैंने नाम दे दिया और ये ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अभी आ जाएगा, ये देखिए ये हमारा फोल्डर आ गया। अब जो भी हम ईमेल चाहते हैं जिस ईमेल एड्रेस के, वो इनबॉक्स में ना आकर इस फोल्डर के अंदर रिसीव हो। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ आपको रूल्स मिल जाएगा, यहाँ रूल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आएगा मैनेज रूल्स एंड अलर्ट्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये आप देखिए न्यू रूल, हमें रूल क्रिएट करना है। तो न्यू रूल पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाएगा, मूव मैसेजेस फ्रॉम समवन टू ए फोल्डर, आप इसी को नेक्स्ट कर दीजिए। फ्रॉम पीपल और पब्लिक ग्रुप, तो ठीक है यहाँ पे आपको पब्लिक पीपल और पब्लिक ग्रुप जो भी आप यूज़ कर रहे थे यहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है जिसके पर्टिकुलर ईमेल आपको इस फोल्डर के अंदर रिसीव करने हैं। तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं टेम्परेली कोई ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ये वो ईमेल एड्रेस है जिसके अंदर जिसके सारे ईमेल मुझे इस फोल्डर के अंदर रिसीव होंगे, ये ओके कर दिया। और ये स्पेसिफाइड करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको ईमेल रिसीव करने हैं। ये देखिए ये ओके कर दिया और ये नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है और नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पर आप ये फिनिश कर दीजिए। ये देखिए हमारा ये रूल क्रिएट हो गया, इसके बाद अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब इस ईमेल एड्रेस के जितने भी ईमेल आएंगे वो हमें इस फोल्डर के अंदर रिसीव होंगे, इस इनबॉक्स के अंदर ना आकर, इसके अंदर वो ईमेल नहीं आएंगे, इसके अंदर वो सारे ईमेल आपको दिखाई देंगे। देखिए मैं आपको मेल सेंड करके दिखा देता हूँ, मैं अपने किसी दूसरे ईमेल से मेल सेंड कर देता हूँ इस पर और आपको देखते हैं कि हम इसके अंदर की इनबॉक्स के अंदर रिसीव होता है कि इस ये टेक्निकल अंसारी नाम के फोल्डर के अंदर रिसीव होता है ईमेल। तो देखिए मैं जो ईमेल मैंने इसमें कॉन्फ़िगर किया था वो उसी ईमेल एड्रेस से मैं इस पर मेल करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, ये कंपोज किया, यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस डाल देते हैं अपना आउटलुक वाला, ये ईमेल एड्रेस आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्टेड मेल और यहाँ लिख देते हैं हम हेलो डियर, ये देखिए, और इसको सेंड कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से सेंड हो चुका है, ये हम आते हैं आउटलुक पे। अब हमें देखना होगा कि ये ईमेल कहाँ पे जाता है, ये देखिए सेंड और रिसीव कर दिया। इससे होगा ये कि हमारे सारे ईमेल है जो वो रिफ्रेश हो जाएंगे जो अभी रिसीव हुए होंगे हमें। ये देखिए ये टेक्निकल इंसारी के अंदर, ये देखिए इनबॉक्स के अंदर ना आकर ये मेल है जो वो टेक्निकल इंसारी के अंदर रिसीव हमें हुआ है। ये देखिए टेस्टेड मेल, ये देखिए हेलो डियर जो हमने लिख के भेजा था, तो ये यहाँ पे हमें रिसीव हो गया। यानी कि आप जो भी इस ईमेल एड्रेस से जो ईमेल आएंगे, ये जो ईमेल एड्रेस है इसके जितने जो भी ईमेल आएंगे वो हमें इस फोल्डर के अंदर ही रिसीव होंगे, ना कि इस इनबॉक्स के अंदर रिसीव होंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके की आगे की और वीडियो भी मैं इस सीरीज़ में आपको देता रहूँगा, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लग दिल हार दिया।
जिस हिसाब ना हस दिया वो लग दी पंजाब दिया।